नमस्कार, मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाने से बनने वाली एक झटपट रेसिपी। जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही लाजवाब है, और उसके साथ हम बनाएंगे एक खट्टी मीठी और तीखी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी। उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें मैं एक छोटी चम्मच तेल डालूंगी। मैंने एक छोटी चम्मच तेल डाल दिया है। अब उसमें आधा छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच साबुत धनिया, और अब उसमें मैं ये दो कटे हुए लहसुन डाल दूंगी। इनको हल्का सा सोते करेंगे, सिर्फ इनका कच्चापन दूर करना है, ज़्यादा देर तक इनको नहीं भूनना है। अब इसमें एक रफली चौक प्याज और रफली चौक टमाटर इसमें डाल दिया है मैंने। अब इनको तेज गैस पर हल्का सा पकाना है। लाल मिर्ची को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए हल्के से गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसमें इनका पानी निकालकर इसमें मैं ये मिर्ची डाल दूंगी। इसमें मैंने 8 से 10 भीगी हुई लाल मिर्ची डाल दी है। 5 से 6 इसमें काजू डाले हैं। काजू डालने से हमारी चटनी का एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाएगा। और 8 से 10 इसमें मैंने किशमिश डाली है, उससे हमारी चटनी में थोड़ा सा मीठा स्वाद आएगा। इसे हमें हल्का सा सोते करना है। अब इसमें मैंने 3/4 टीस्पून नमक डाला है और बारीक कटा हुआ धनिया। इसमें मैंने आधे नींबू का रस डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। साबूदाने का भी दरदरा सा पाउडर बना लिया है हमने। हमारा साबूदाना और मूंगफली का पाउडर बन चुका है। अब हम साबूदाना टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने ये 4 आलू बॉईल कर लिए हैं। अब इन आलुओं को मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी मूंगफली का दरदरा सा पाउडर और साबूदाने का जो पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और अदरक और हरी मिर्ची इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसमें हम ये भी डालेंगे। एक छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक और हरा धनिया और नींबू। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च 3 डाली है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करके इसको एक डो की तरह से बना लेंगे। अब इसमें मैं आधी चम्मच गरम मसाला और ये धनिया, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। ये एक चम्मच मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया डाल दिया है। की बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें करूंगी सर्व।
हमारी आलू और साबूदाने की टिक्की बनकर तैयार है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रंची है। इसमें जो मूंगफली को मैंने दरदरा पीस लिया था, उसमें कुछ दाने साबुत भी रह गए हैं। उन मूंगफली के दानों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप इस टिक्की को इमली की चटनी, दही, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये टिक्की इसी चटनी के साथ पसंद है। तो आप एक बार इस चटनी के साथ इस टिक्की को बनाकर खाइए। इसमें मैंने ना ही बेसन ऐड किया है, ना ही मैदा ऐड की है, सिर्फ साबूदाना, मूंगफली और आलू, और बाकी मैंने मसाले डाले हैं। आप ज़रूर बनाइए, ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।